नमस्कार, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। एक बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर है। एमसीडी स्कूल के टीचर ने पांचवी की छात्रा को कैंची से मारा और छत से नीचे फेंक दिया। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एमसीडी स्कूल के एक टीचर ने अचानक हैवानियत दिखाई है। पांचवी क्लास की बच्ची को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज हिंदूराव अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन टीचर की हैवानियत को देखकर सबका दिल दहल गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना जो है वो फिल्मिस्तान के मॉडल बस्ती प्राथमिक विद्यालय की है। शुक्रवार 16 दिसंबर को डीबीजी रोड थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची को एक टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया है। इस जानकारी के बाद मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। स्कूल में पुलिस को पता चला कि पांचवी क्लास की छात्रा को गीता देशवाल नाम की टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया। इससे पहले टीचर ने उसकी पिटाई भी की थी। ये भी बताया गया कि गीता देशवाल का स्कूल की किसी अन्य टीचर के साथ झगड़ा हुआ था। इससे जो था गीता को गुस्सा आ गया था और उसने बच्ची को पहले पेपर से मारा, फिर नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद बच्ची के सिर पर गहरी चोट आई। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही डॉक्टर्स ने बताया है कि उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन ये मामला कितना गंभीर है, पेरेंट्स के लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी टीचर्स को ट्रस्ट करना। स्कूल में दूसरे टीचर्स की गवाही और आरोप जो है वो टीचर्स के पिछले रिकॉर्ड के बारे में पुलिस पता लगाने के बाद आईपीसी धारा 307 के मामले में दर्ज किया गया है। आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्ची ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान भी सुनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पीड़ित बच्ची का बयान लिया है। बच्ची ने बताया है कि टीचर ने पहले उसे कैंची से मारा। उसने रोते हुए आगे बताया है कि टीचर, जो कि जिनका नाम है गीता देशवाल, उसने पहले उसके बाल भी काटे। जब पीड़िता से पूछा गया कि उसे छत से भी फेंका गया था, तो उसने रोते हुए कहा हाँ। पीड़िता ने यह भी बताया कि क्लास में उसने कई बार कोई भी बदमाशी नहीं की थी, फिर भी टीचर ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। सोचिए कितनी गंभीर ये बात है। पेरेंट्स को टीचर्स पर ट्रस्ट करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते एक विश्वास के साथ, लेकिन स्कूल में इस तरह का व्यवहार जो है ये, इसकी कड़ी निंदा हो रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि इस टीचर को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आगे एक मिसाल बन सके कि बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।